हेलो वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सुनप दोस्तों बेवरली हिल्स कॉप एक्सल एफ नाम का नया फिल्म देखा मैंने नेटफ्लिक्स पर दोस्तों लेट मी टेल यू अगर आप बेवरली हिल्स का जो फ्रेंचाइज अगर आपने देखा है वन हो टू हो थ्री हो तो आप ये कहोगे यार ये जो पर्टिकुलर फिल्म है वो इन यू नो अर्लियर फिल्म के जलवे को मैच नहीं कर पाया सबसे पहली बात तो द कॉमेडी द ह्यूमर वॉ सोरली सोरली मिसिंग बहुत ही ठीक ठाक लगा मुझे ह्यूमर कॉमेडी यू नो एडी मर्फी का हो बाकी के किरदार का हो तो वो कॉमेडी उतना काम नहीं किया लाइक like, अगर आप वन देखो टू देखो इतना सुपर इतना फनी है वो फन एलिमेंट इसमें नहीं था यार और दूसरा जो प्लॉट था इट्स अबाउट सेविंग इज डॉटर के डॉटर के लाइफ को थ्रेट है तो अब एडी मर्फी कैसे आता है क्या करता है वगैरह वगैरह गुंडों को कैसे पीटता है गुंडे गुंडों को कैसे रोकता है है रोक पाता कि नहीं रोक पाता है एडी मर्फी को कुछ होता है कि नहीं होता दैट इज इज द फिल्म ऑल अबाउट तो स्टोरी भी मेरे को ठीक ठाक लगा तो ओनली थिंग गुड अबाउट द फिल्म सीक्वेंस द चेस सीक्वेंस एंड एवरी थिंग शॉन द हेलीकॉप्टर सीक्वेंस या फिर बाकी लोग ट्रक में बैठ के जो निकल रहा है वो सारा सीक्वेंस जो भी था एक्शन वॉज नाइसली शॉर्ट एंड नाइसली एग्जीक्यूटेड नाइसली डन तो वो कोरियोग्राफी वो ओवरऑल एक्शन सीक्वेंसेस देखने में थोड़ा मज़ा आया बट अदरवाइज बाकी तो मेरे को ठीक ठाक ही लगा यार प्लॉट वाइज एंड ह्यूमर वाइज एडी मर्फी का एक्टिंग एज यूजल अच्छा ही था उनका बेटी का एक्टिंग भी अच्छा ही था फिर अपना वो क्या उसको बोलते हैं केविन बेकन केविन बेकन वॉज ऑल्सो नाइस उतना ज़्यादा यू you नो know, खास लगा नहीं उनका रोल बी टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक ठाक है सपोर्टिंग रोल में है विलन है ओवरऑल एवरेज फिल्म लगा मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो एक्सपेक्टेशन उतना मीट नहीं कर पाया ये नया फिल्म यू नो बेवरली हिल्स कॉप एफ आपने देखा है तो लिख कर बताना आपको कैसे लगा ये फिल्म एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो पैन सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा यूजर नेम है एट बॉलीवुड वाला एंड क्या मैंने रेटिंग दिया नहीं दिया रेटिंग देना भूल गया यार टू स्टार्स that is what i am giving this film let me know your take chaliye for the moment tada